सर, आज यहाँ पर FCI गोदाम पर आपने छापामार कार्रवाई करी है, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है? देखिए, आज औचक निरीक्षण करा था मैंने। मैंने आज डिसाइड करा था कि यहाँ पे औचक निरीक्षण करूँगा, तो उसी क्रम में आज औचक निरीक्षण करा है। तो इनके स्टॉक रजिस्टर वगैरह इनकी पूरी काउंटिंग कर रहे हैं हम, जो इनके स्टॉक में उसी हिसाब से है कि नहीं है, इसमें डिटेल रिपोर्ट हम बनाएंगे, फिर उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। तो अभी तक कितनी अनियमितताएं पाई गई हैं आपके? अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, अभी प्रिलिमिनरी। तो जब रजिस्टर सारे देख लेंगे, जो हम काउंट कर लेंगे, तभी बता पाएंगे कुछ अनियमितता है कि नहीं है, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। लेकिन इस तरह की शिकायतें सर पहले भी आती रही हैं, बहुत लंबे समय से चल रही उसी क्रम में जैसे शिकायतें आती है तो हम टाइम टू टाइम निरीक्षण करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मैंने निरीक्षण करा था जब शिकायतें आई थी, उसी क्रम में आज भी करा है, तो अभी देखेंगे क्या होता है, जो भी रिपोर्ट होगी फिर हम वो। सर, दो दिन पहले रुड़की के कुछ यहाँ पर आसपास के जो राशन डीलर वहाँ पहुँचे थे, महिला अधिकारी रूबी का नाम के, उस पर आरोप लगाए थे साफ तौर पे कि वो यहाँ पर घपला करती हैं इस तरह के, उसमें तो अलग से जांच हो जाएगी अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी हम तो अभी रेगुलर इंस्पेक्शन करने आए थे कि जो भी यहाँ के रख रखाव है वो प्रॉपर हो, जो स्टॉक रजिस्टर है वो प्रॉपर बने हों, और जो उनका क्या कहते हैं, जो भी स्टॉक हो वो उसके अकॉर्डिंग हो, कोई हेरा फेरी ना हो। सर, इंस्पेक्शन तो हो रहा था लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं, नहीं उसमें हम रिपोर्ट निकाल के शेयर भी करेंगे हम सबके। सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनकी दिक्कतें फिर भी रहती, तो उसके लिए क्या? नहीं नहीं, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने करा है कि भाई आगे से ये लोग सचेत हो जाएं कि भाई मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी और अधिकारी भी आ सकते हैं, इनके सीनियर्स भी आ सकते हैं जो निरीक्षण करें, तो अपने जो भी कार्यप्रणाली है उसको बेस्ट कर लें, कोई भी जो भी ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आते हैं या कोई बड़ा इशू भी आते हैं वो ना हो, दोहराया जाए। बाकी आगे भी हम इसमें निरीक्षण करते रहेंगे, और कोई अगर ऐसे अनियमितता में पाई जाती है तो उसमें एक्शन के लिए हम लिख देंगे। कहना है कि ये विभागीय अधिकारी, इस विभाग के अधिकारी और जो राशन डीलर है, इनकी साठगांठ रहती है इस तरह से? वो तो देखना पड़ेगा, उसमें डिटेल जांच करनी पड़ेगी। आज तो हम प्रिलिमिनरी इसमें ये देखने आए थे कि जो स्टॉक है और जो सारी चीज़ें हैं वो सही हों, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, तो वो हमने सर बताइए कि राशन डीलर जो है सर प्रॉपर राशन भी नहीं देते हैं सर गांव से, वो हम अलग से उनके उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर भी करेंगे हम कार्रवाई, जो हमारा जो DSO विभाग है, सप्लाई डिपार्टमेंट है, उनको भी हम पूरे एक निर्देश देंगे कि भाई आप टाइम टू टाइम जो राशन डीलर है उनके भी आप इंस्पेक्शन करते रहें, वो जो प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ राशन डीलर्स में मैं भी करूं, और अपनी टीम को भी उनको औचक निरीक्षण के लिए बोलूंगा। आपके ऑफिस के सामने तहसील में करल्ले है खाद्य पूर्ति का, लोग बात कहते हैं कि SDM साहब अपने ऑफिस से जाके वहाँ तक नहीं देखते हैं तो और कहाँ जाएंगे, इस तरह के भी लोग कहते हैं वहाँ पे जो पीड़ित पोस्ट हैं। अब मैं तो सब जगह निरीक्षण करता ही रहता हूँ, तो अब ऐसा कोई कहता है तो मैं दोबारा निरीक्षण कर लूँगा, इसमें सारे कार्यालय का मैं निरीक्षण करता हूँ, अपने कार्यालय का भी करता हूँ, तो इसमें टाइम टू टाइम मैं करते ही रहता हूँ। सर, आप HRDA भी के वहाँ पर विभागीय अधिकारी हैं, वहाँ पर भी आपकी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? सारी कार्रवाई हो रही है, कल भी हमने काफ़ी सील लगा रखी है जो आपके सर सील लगाते आपके... लेकिन इसकी सूचना मीडिया तक नहीं पहुँच पाती है, उसका क्या कारण है सर? अब इसमें मीडिया में भी हम दे देते हैं, ऑब्वियसली जब सील लगाते हैं तो मीडिया में दे देते हैं, और अगर कोई ऐसी होती है जो नहीं दे पाते हैं तो हम बाद में बता देते हैं। सर, क्या कार्रवाई होगी अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं? जो भी होगी हम तो विभागीय कार्रवाई के लिए लिख देंगे हायर अथॉरिटीज़ को, वहाँ से ही मेन कार्रवाई की जाएगी।